नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। चलिए, ये टाइम और वर्ड्स रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है, जो कि मोस्टली कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। पहला दिया हुआ है 20 वर्कर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। जब भी आपको वर्कर और टाइम दिया हो तो आपको एक ट्रिक का यूज करना है, वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क और उसे बोल सकते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैन इनटू डे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहां पर कर देंगे मैन इनटू डे, ठीक है, मैन इनटू डे आपका यहां पर टोटल यूनिट वर्क होगा। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया। टोटल यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ 20 वर्कर, तो मैन की जगह कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मैन इनटू डेज मतलब टाइम क्या डेज हो सकता है या मंथ हो सकता है या फिर आवर्स हो सकता है या मिनट हो सकता है, सेकंड्स कुछ भी टाइम हो सकता है। यहाँ पर डेज में दिया हुआ है, दिनों में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डेज ले लेंगे, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, 600 यूनिट हो गया, मतलब इतना यूनिट वर्क हमको टोटल करना है, ठीक है। और हम इसको फर्दर कंडीशन पढ़ते हैं इसकी, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर लीव द जॉब, मतलब कितने दिन बाद 5 वर्कर जो 5 मजदूर हैं वो काम करना छोड़ दें, सो दैट द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 35 डेज, ताकि हमारा जो काम है वो 35 डेज के अंदर काम कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम लेट मान लिया हम लोगों ने कि आफ्टर एक्स डेज में क्या 5 वर्कर्स काम को छोड़ देते हैं आफ्टर एक्स डेज, ठीक है, मतलब 5 दिन बाद, मतलब कि एक्स डेज बाद हमारे 5 वर्कर काम करना छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल वर्क और यूनिट। तो हम देखते हैं क्या कि जो हमारे 20 वर्कर थे एक्स दिन तक वो 20 वर्कर काम करते हैं, तो मैन इनटू डे, तो मैन क्या है 20, अभी शुरुआत हमारे 20 के 20 हैं पूरे, और ये क्या एक्स दिन तक रहेंगे, तो 20 और एक्स इतना काम करेंगे, प्लस अब क्या होता है एक्स दिन के बाद 5 वर्कर काम करना बंद कर देते हैं, तो जो हमारे मैन मतलब वर्कर कितना बचा हुआ है 20 - 5, इतना वर्कर बचा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है वो 35 के दिन के हमें अंतर्गत काम करना है 35, तो हमारे टाइम कितना बचा हुआ है, एक्स डेज तो निकल गया, अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है 35 - x, इतना हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इतना टोटल यूनिट वर्क करेंगे, क्योंकि हमें ये इतना काम करना है 600, तो हम इसको 600 के इक्वल कर देंगे और यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारे डेज, मतलब इतने दिन बाद हमारे 5 वर्कर काम करना छोड़ देंगे तो वो 35 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 20x हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, 20 - 5 = 15, तो 15 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो 15 × 75 और 7 × 15 = 45, 45 = 5 मतलब 525 ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना 15x हो जाएगा इक्वल टू 600 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 20x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, तो हमारा 5x हो जाएगा इक्वल टू 600 - 525, तो हमारा होगा 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा 15, तो x क्या था हमारा x डेज 15 डेज आ जाएगा, मतलब हमारा क्या है कि जो 5 मजदूर हैं वो 15 दिन बाद काम को छोड़ दें तो तभी हमारा काम जो है 35 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 15 डेज हो गया, ठीक है। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।